हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राशन कार्ड से आधार नंबर कैसे निकालें। दोस्तों, जितने भी जनसेवा केंद्र संचालक हैं या लोकवाणी केंद्र वाले हैं, उन सभी को ये प्रक्रिया पता है, लेकिन आज मेरा ये वीडियो नॉर्मल पर्सन के लिए होने वाला है, एक आम आदमी के लिए होने वाला है। जिन लोगों के आधार कार्ड खो जाते हैं लेकिन उनका राशन कार्ड बना हुआ होता है, तो वो अपना आधार कार्ड नंबर कैसे निकाल सकते हैं राशन कार्ड में से, ये सारी प्रक्रिया आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्किल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो कंडीशन होती है आधार नंबर हम राशन कार्ड में से कब निकालते हैं, सपोज कीजिए मेरा आधार कार्ड खो जाता है और कहीं भी मुझे उसकी फोटोकॉपी नहीं मिल रही या मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ मैं अपना आधार नंबर उसमें से निकाल सकता हूँ और आधार नंबर से अपना जो आधार कार्ड है वापस से डाउनलोड करा सकता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए बता देता हूँ। एक आम आदमी जो एक नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है, उनको अपना राशन कार्ड लेकर जाना है किसी भी जनसेवा केंद्र पर या किसी भी लोकवाणी केंद्र पर, और उनसे बोलना है, सर हमें अपने राशन कार्ड की स्लिप निकलवानी है, रसीद निकलवानी है, लेकिन वो पात्रता सूची नहीं निकलवानी, हमें नॉर्मल वाली रसीद निकलवानी है। जब हम राशन कार्ड को नया अप्लाई करते हैं उस वक्त जो रसीद दी जाती है, उस तरह की रसीद हमें निकलवानी है। ये आपको जनसेवा केंद्र वाले से या लोकवाणी केंद्र वाले से या ऑनलाइन सर्विसेज वाले से जाकर बोलना होगा। तो आप उससे वो 10 रुपये या 20 रुपये चार्ज लेगा इसका, और आपको वो निकाल कर देगा रसीद। दोस्तों, जब भी आप उससे रसीद निकालने के लिए बोलें, तो आप उससे ये कहें कि हमें पात्रता सूची वाली रसीद नहीं निकलवानी, जिससे हमें राशन मिलता है वो रसीद हमें नहीं निकलवानी है, हमें वो रसीद निकलवानी है जब हम अपना नया राशन अप्लाई करते हैं, तब जो हमें रसीद मिलती है वो रसीद हमें अपनी प्रिंट करानी है, जो कि उसके जनसेवा केंद्र वाले की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वाली ID से निकलेगा। तो दोस्तों, आपको नॉर्मली ये काम करना है, जनसेवा से अपनी स्लिप निकलवा लेनी है, उसमें आपकी फैमिली के सारे आधार नंबर वहां पर शो हो रखे होंगे, आपको पता चल जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगी, आपके नाम की स्पेलिंग पता चल जाएगी, सारी चीजें उसमें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अब मैं जनसेवा केंद्र वालों के लिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं, क्या करना है दोस्तों, जैसे ही कोई कस्टमर आपके पास आता है कि हमें अपने राशन कार्ड की रसीद चाहिए, वो रसीद जो राशन बनवाते वक्त हमें मिलती है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, नॉर्मली अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फूड एंड सिविल सप्लाई पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, उसका राशन जैसे चल रहा है और उसको राशन मिल रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, उसकी जो रसीद निकलेगी वो यहाँ से देखिए, यहाँ से रसीद नहीं निकलेगी, राशन कार्ड पारवर्ती रसीद यहाँ से नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ वही रसीदें निकलती हैं जो पात्रता सूची में नहीं आई होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन करना है। एक बार आपको राशन कार्ड संशोधन में कोई भी राशन अपना, जो भी राशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका भी आपको स्लिप निकालनी है, उसको एक बार आप संशोधन में ओपन कर लें। दोस्तों, यहाँ देखिए, कोई अगर राशन नंबर मेरे पास होगा तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ये देखिए, मैं ट्राई करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये राशन कार्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। और इस तरह से जैसे राशन ओपन हो गया, तो अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार संशोधन में आपको इसमें देखिए, राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन, इसमें आपको एक बार ओपन करना है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, वापस से यहाँ पर राशन कार्ड पारवर्ती रसीद में आ जाना है और फिर ये रसीद निकल जाएगी आसानी से। वैसे नॉर्मली आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगी, लेकिन फिर ये निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप रसीद निकाल कर दे सकते हैं कस्टमर को। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सारे आधार कार्ड यहाँ पर देखिए, ये आपको मिल जाएंगे सारे आधार कार्ड, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।